हेलो सब लोग, आपका सबका स्वागत है। आज हमारे साथ रणजी ट्रॉफी के दिग्गज खिलाड़ी जो ऑलमोस्ट इंडिया के लिए खेले थे, अमोल मुजुमदार हैं। मुंबई के बहुत बड़े खिलाड़ी थे रणजी ट्रॉफी में, और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमोल, कैसे हैं आप? शुक्रिया। ये तो कह नहीं सकता कि ठीक हूँ, क्योंकि जो हालत है अभी मुंबई में तो कह नहीं सकता ठीक हूँ, पर जी हाँ, घर में हूँ और सुरक्षित। अमोल, आपके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। सबसे बड़ी कहानी यह है कि कहानियां सबसे बड़ी यह है कि जब विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के बीच में पार्टनरशिप हो रही थी 664 की, आप नेक्स्ट मैन इन थे और आप पैडेड अप थे, तैयार थे बल्लेबाजी करने के लिए, और वो सॉर्ट ऑफ आपके करियर का एक टैग बन गया था, नेक्स्ट मैन इन। बिकॉज हमेशा लगता था कि आप अभी खेलने वाले हैं, अभी खेलने वाले भारत के लिए। तो वो क्या सिंबॉलिक बन गया था आपका, आपके करियर के लिए, वो वाला पार्ट, नेक्स्ट मैन इन? अभी पीछे देखते हुए ऐसे कह सकते हैं आप कि यू नो कि मैं 664 रन की जो पार्टनरशिप हो रही थी विनोद और सचिन की, तभी मैं नेक्स्ट मैन इन था। और उसके बाद इंडिया के लिए नहीं खेला, उसको भी आप कह सकते हैं नेक्स्ट मैन इन। पर मैं, मेरे नजर से ऐसे में देखता नहीं है ये सब चीजें। मैं क्रिकेट और स्पोर्ट को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और खुशी हुई कि मैं इतने साल खेल सका। मेरा जो पसंदीदा जो स्पोर्ट था उसको मैं इतनी अच्छी तरह से खेल सका, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। वो जब पार्टनरशिप हो रहा था, तब आपके मन में क्या चल रहा था जब दोनों के बीच में पार्टनरशिप चल रहा था, कि आपको मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा? आप क्या सोच रहे थे जब दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे? बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है कि यू नो पहले घंटे में, मैच शुरू होने के बाद पहले घंटे में हमारी 2 विकेट गिरी थी, तो अतुल रानड़े और रूपक मूले आउट हुए। और विनोद और सचिन जब बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसे लगा नहीं था कि कभी आउट होंगे। चलिए, तभी हम सब छोटे थे, बच्चे थे, 13 साल की उम्र थी। मैं इतना जानता नहीं था कुछ क्रिकेट के बारे में या बैटिंग के बारे में, मैं इतना कुछ जानता नहीं था। मुझे बस यही पता था कि जब मेरी बल्लेबाजी आएगी तब मैं रन बनाऊंगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में भी मैंने रन बनाए थे और शारदा आश्रम के लिए वो साल मैंने काफी मैचेस में लगातार रन बनाते आ रहा था। तो उम्मीद यही थी कि बल्लेबाजी आएंगी, और कॉन्फिडेंट था, थोड़ा सा आत्मविश्वास था मुझ में कि मैं बल्लेबाजी करूंगा और रन भी बनाऊंगा। पर ये कभी सोचा नहीं था कि कभी बल्लेबाजी वो मैच में आएगी नहीं, ऐसे ऐसे लगा नहीं था। थोड़ा देर परेशान हुआ मैं, थोड़ी सी एंजाइटी थी पहले, बाद में वो तब्दील हो गई, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो गई। और उसके बाद, फ्रस्ट्रेशन के बाद एक बियॉन्ड एक स्टेज है, ये मुझे तब पता चला कि चलिए एंजॉय करते हैं ये सबको। अगर नहीं आई बल्लेबाजी तो कोई बात नहीं, ये जो पार्टनरशिप साझेदारी जो चल रही है तो उसको उसका ही मजा उठाते हैं। इसलिए वो 3 इमोशंस जो थे मेरे, वो उसी दिन बन गए। फ्रस्ट्रेशन के बाद भी एक स्टेज है, मुझे उस दिन पता चला। रमाकांत आचरेकर जो आपके कोच थे, क्या वो उतने ही स्ट्रिक्ट थे जैसे हमने सुना है उनके बारे में कहानियों में या किस्सों में? आचरेकर सर की बात ही अलग थी। मुझे नहीं लगता ऐसे कभी वापस होगा। हिंदी में कहावत या मराठी में शायद कहावत है ये, कि न भूतो न भविष्यत, न पहले कभी हुआ न आगे कभी ऐसा होगा। आचरेकर सर जैसे कुछ नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता। आप भले कितना भी चाहो, कितना भी, जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं बन सकते वापस, कोई एक खिलाड़ी वापस वैसे नहीं बन सकता, वैसे आचरेकर सर। थोड़ी बात अलग थी चंद्रेश, वो जमाना अलग था। गुरु का एक
रिलेशन था, सभी शिष्यों का गुरु शिष्य। आजकल क्या है, कोच नीड्स विद ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द पीपल्स, तभी वो जमाना अलग था, वो दिन अलग थे, वो गुरु शिष्य का रिलेशन था हमारा। और सचिन तेंदुलकर तो खैर एक है उनके शिष्य, ऐसे हजारों शिष्य जो है जो आचार्य का सर को अपना जीवन माने दे ओ देयर लाइफ टू आचार्य का सर, क्योंकि आचार्य का सर ने उनको जीना सिखाया, उनको खेलना सिखाया, और उसी के वजह से आज जो भी है वो जहां भी है वो आचार्य का सर के बदौलत ही। और ये सर के जो स्टूडेंट्स है वो कभी भूल नहीं सकते, एक अलग रिलेशन था, दिन अलग थे, जमाना अलग। वो जमाना अलग था। मैं कहानी सुन रहा था आपकी जुबानी कि रवि शास्त्री जब कप्तान बने 93-94 में आपके रणजी डेब्यू के पहले, तो ये सारा टीम जो था वो एक न्यूजीलैंड टूर पे चला गया था, इंडियन टीम, तो संजय मांजरेकर, कामली और सचिन तेंदुलकर चले गए थे उसमें, अंकोला भी गए थे उस टूर पे। तो आपको जब बने रवि शास्त्री कप्तान रणजी ट्रॉफी के, तो आपको तलब किया गया था फॉर द मैच अगेंस्ट हरियाणा जब आपने डेब्यू किया था, उस कहानी के बारे में बताइए कि किस तरह से आपका कॉल अप हुआ था, फिर वो 260 जो आपने बनाया हरियाणा के खिलाफ वो कैसा फीलिंग था। 93-94 का सीजन था वो, और एक बड़ा ही मुझे लगता है मेरा सबसे सबसे पसंदीदा नहीं कह सकता हूँ पर बहुत ही पसंदीदा सीजन रहा मेरे लिए। खैर रणजी ट्रॉफी डेब्यू तो हुआ, पर उसके पहले भी जो अंडर 19 का जो दौर था वो बहुत बेहतरीन दौर से मैं गुजर रहा था बल्लेबाजी के हिसाब से अगर बात करें तो। ऑलमोस्ट एवरी अंडर 19 मैच में मैंने शतक लगाया था, और अंडर 19 के फाइनल में भी मैं कप्तान था मुंबई का, अंडर 19 के फाइनल में 100 इन ईच इनिंग्स करने का मुझे मौका मिला और 100 इन ईच इनिंग्स बनाए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नंबर आएगा अभी, यू नो रणजी ट्रॉफी खेलने का नंबर आ सकता है। पर वो सीजन में खास करके मुंबई की जो मिडल ऑर्डर थी वो बहुत ही सक्षम थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर थी, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, तो जगह बनाना बहुत मुश्किल था। पर मैं कोशिश मेरी जारी थी, हर मैच में 100 बनाने की कोशिश थी और वैसे बन रहे थे, तो मुझे पता था कि अगर एक जगह बन गई तो मेरा मौका बन जाएगा यहाँ पे, और वही हुआ। फरवरी का महीना था और इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का, और वो न्यूजीलैंड चले गए। रवि शास्त्री हमारे कप्तान थे, रवि शास्त्री का चयन नहीं हुआ था उस इंडियन टीम। और तभी मुझे मौका मिला, तो ऐसा एक दौर से गुजर रहा था मैं कि मैं मुझे पता था, मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी एक इनिंग खेलूंगा कि जब ये तीनों दिग्गज जब वापस आएंगे न्यूजीलैंड तो मेरी जगह मुंबई टीम से हटनी नहीं चाहिए, ऐसे मैंने संकल्प किया था। और यू नो विद गॉड्स ग्रेस यू नो ऊपर वाले की इच्छा थी और वो इनिंग खेली मैंने। पर एक मैं कहूंगा इसमें मेहनत के अगर बात करूं तो 100 के बाद मैंने काफी तेजी से रन बनाए मेरे 100 होने के बाद, पर एक टाइम आया तब जब मैंने सोचा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे था मैं और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अमोल याद रखना तुम जिस दौर से गुजर रहे हो ये मौका तुमको बहुत देर बाद मिला है और उसको भुनाना है, तो 100 के बाद अपनी विकेट नहीं फेंकनी, और इसीलिए मैं वो बड़ी इनिंग खेलने की इच्छा जो थी वो यू नो तब्दील हो गई, एग्जीक्यूशन में तब्दील हो गई। और यू नो इन द एंड मुझे पता नहीं था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, बाद में पता चला 260 की जो पारी खेली वो अभी भी मेरे जहन में ताजा है।
अभी हाल ही में रवि शास्त्री ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह एक तस्वीर डाला आप दोनों का साथ में, और कहा कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट यू डिडंट अमोल भारत के लिए नहीं खेला। एज अ कप्तान शास्त्री कैसे थे? बिकॉज मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि बेस्ट कैप्टन इंडिया नेवर हैड। आप उनके अंडर खेले हैं, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड द बेस्ट कैप. आई मीन वेरी शॉर्ट टाइम आई प्लेड अंडर हिम, इट वाज ओनली वन सीजन, आफ्टर दैट सीजन ही रिटायर्ड. बट आई थिंक यूनिक ब्रेन, यूनिक क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, अनबिलीवेबल कॉन्फिडेंस, और सबको साथ लेके चलते थे, चाहे वो न्यूकमर हो, मेरे जैसा न्यूकमर हो, या सुलक्षण कुलकर्णी जैसा एक एक सीनियर खिलाड़ी है, सबको साथ लेके चलने की हिम्मत थी उनकी. और एक अलग तरीके से वो ना अपना अपनी चाल चलते थे, अलग तरीके से. वो एक यंगस्टर, मुझे अभी एक छोटी सी बात है, जब मैं डेब्यू कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे तो हीरो थे रवि शास्त्री, पर मुझे ऐसा लगा यार इसके साथ मैंने काफी वक्त से मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, ऐसे मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरा पहला मौका है उनके साथ, मेरा डेब्यू है ये रणजी ट्रॉफी का. ये उनमें क्षमता थी कि वो हर एक को, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो, हर एक को एक ही यू नो एक ही तरीके से ट्रीट करते. और टीम वर्क में बहुत बहुत यू नो मायने रखते थे टीम वर्क, और हमको बहुत बहुत कुछ सिखा के गए रवि शास्त्री, बहुत कुछ. प्रोफेशनलिज्म क्या है, मैं वो छोटे वो एक सीजन में मैं बहुत कुछ सीख गया उनके. और आई थिंक द बेस्ट कैप्टन, देयर इज नो डाउट. उस सीजन के बाद आपका चयन हुआ था इंडिया अंडर 19 टीम के लिए, और आप वाइस कैप्टन बन के इंग्लैंड गए थे. संदीप पाटिल क्रिकेट मैनेजर थे उस टूर पे. मैं पढ़ रहा था कल रात को और आज सुबह कि किस तरह उस टूर पे आपके बारे में एक हाइप था अंग्रेजी अखबारों में, वहाँ पे यूके में, और द नेक्स्ट सचिन करके आपको कहा गया था, और काफी बातचीत होती थी आपके बारे में वहाँ पे. और उसके बाद उसके सीजन के उस साल के एंड में आप इंडिया ए के तरफ से भी खेले, सौरभ, वीवीएस, द्रविड़, विक्रम राठौर, ये वगैरह भी साथ में थे आपके साथ. क्या तब आपको लगा कि आप इंडियन टीम सिलेक्शन के पास आ गए हैं? बिकॉज ये सब आप लोग सब एक तरह से कॉन्टेम्प्रेरी थे. क्या आपको लगा कि आपको इस बैच के साथ ही लड़ना है और इसके आगे जाना? बिल्कुल, सपने तो वही थे. 93-94 सीजन के बाद मुझे पता था थोड़ी सी चर्चा हो रही है, यूके के पेपर्स में भी हो रही थी और यहाँ पे भी हो रही थी. बहुत मीडिया कवरेज भी मिल रहा था मुझे. पर एक वो ऐसा दौर था कि मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरता था, कोई किसी मेरे बारे में लिखे या ना लिखे. मुझे पता था, मुझे अक्षय कसर ने यही सिखाया था, मेरे पिताजी ने यही सिखा था, तुझे रन बनाने हैं बस. अगर तेरे को सरवाइव करना है तो तुझे रन बनाने. और मुझे एक ही मंत्र मालूम था, मुझे रन बनने बनाने, और रन कैसे बनाने मुझे पता था. तो वो एक गुरु मंत्र लेके मैं चला था और उसी को फॉलो कर रहा था. बात सही है कि उस दौर में थोड़ी सी चर्चा हो रही थी मेरे बारे में कि इंडियन टीम में आ जाएंगे, पर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कैसे मैं नहीं खेला या 30 में भी नहीं आया, इंडियन टीम के 30 में भी नहीं आया. एक बात बताता हूँ, 1995 की बात है, जो पहला वाला सीजन था उसके बाद वाला सीजन है, उस सीजन में मैंने 1000 रन बनाए, और 1000 रन बनाने के बावजूद इंडियन टीम की उस समय 30 जनों की सिलेक्शन होती थी, प्रोबेबल्स होते थे 15 चयन, 15 जो इंडियन टीम के थे और 15 प्रोबेबल्स. तो इंडियन ए टीम के जो सदस्य थे वो 15 प्रोबेबल्स में आ जाते थे ऑटोमेटिकली. एक कैंप लगा इंडियन टीम का, वहां पे
28 जनों का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ पहले 30 होते थे और 28 जनों के ही प्रोबेबल्स आए, और वो 28 में मेरा नाम नहीं था, मेरा और भूपिंदर सिंह जूनियर का। वो आज तक मुझे नहीं समझा कि कैसे 30 बनते थे पहले और 28 बने उस साल, पता आज तक मुझे उसका उत्तर नहीं। पर आपने कभी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, किसी सेलेक्टर, टीम मैनेजमेंट, वाइस कैप्टन इंडिया के तब तेंदुलकर थे, आप उनको जानते थे, कभी आपने बात करने की कोशिश नहीं की? वाडेकर साहब तब कोच थे इंडिया के, कभी नहीं बात की आपने किसी से? नहीं, मुझे मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं लगी कभी उस समय। I'll tell you a different side to it. Many people think that I should have spoken about it and this and that. But since 1988, my journey started in cricket. Till about 2000, so it's about 12 years, I didn't know anything other than scoring runs. And scoring runs for me was getting hundreds. I just didn't know about it, anything else. I had blocked myself. I had locked my myself in that room. Everything related to scoring runs for me. तो थोड़ा सा जुनून सा था कि मुझे रन बनाने हैं। मैंने कभी कोशिश नहीं की अजीत वाडेकर सर से बात करने की, सचिन से भी बात करी, हालांकि सचिन मेरे साथ मैं बचपन से खेलते आ रहा हूँ उनके साथ, मैंने कभी जरूरत ही नहीं समझी कि शायद गलत था। अभी ऐसे लगता है शायद गलत था, थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए था हर चीज का, मतलब इतना I was naive about the fact. कहीं आपको लगता है कि इंडिया में जो प्लेयर्स होते हैं वो डर के साथ खेलते हैं? मैं डर का मतलब ये है कि आपको लगता है सवाल पूछने से आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, इसलिए आपके आपका ही एग्जांपल नहीं, आप जनरली देखें कि आप कोई डोमेस्टिक प्लेयर से बात करें तो उनको डर लगता है किसी बात पे स्टैंड लेने पे या कुछ सवाल पूछने पे, ये डर के माहौल के साथ खेलते हैं प्लेयर्स? एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, एक ऐसा एक प्लेयर, एक अकेला प्लेयर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है, शायद प्लेयर्स को भी लगता है ऐसा, बट सिलेक्शन के बारे में एज अ प्लेयर तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है परफॉर्मेंस, और अगर परफॉर्मेंस हो तो एक प्लेयर मैं कह नहीं सकता कुछ इसके बारे में। नहीं तो क्या अगर एक प्लेयर एसोसिएशन होता आपके प्लेइंग डेज में, करंट प्लेयर्स के लिए भी, आप तो है बट रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए, तो उससे एक सिक्योरिटी मिलती, बिकॉज ऐसा लगता कि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे भी एक फौज की तरह कोई है, वरना तो ऐसा लगता है कि यू आर फाइटिंग अ लोन बैटल। सी प्लेयर्स एसोसिएशन मैं कह नहीं सकता क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। अगर आप इंडियन प्लेयर्स से पूछे तो कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, उसको इतनी जानकारी है ही नहीं, उसको इतनी नॉलेज है नहीं। शायद ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स एसोसिएशन है या इंग्लैंड में है, ये मुझे भी नहीं मालूम, अभी भी नहीं मालूम है कि इंग्लैंड में एसोसिएशन है या नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया में है इतना मैं जानता। उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है ये हमें सिखाया ही नहीं या हमें नॉलेज ही नहीं, तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि अगर डोमेस्टिक प्लेयर के पीछे अगर एसोसिएशन हो तो उसके फायदे है या डिसएडवांटेजेस, तो कहना बहुत मुश्किल है चंद्र। आपके हिसाब से आप कौन से साल में सबसे क्लोज थे इंडियन टीम में आने के लिए? दो साल मुझे लगता है, एक तो 93-94 आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हुआ था तभी, और उसके बाद 96-97 मैंने स्कोर्ड, मैंने शतक लगाया था क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, फाइनल में, और ईरानी ट्रॉफी में 97, तभी मुझे लगा ऐसा कि जी हाँ यहाँ पे मैं इंडियन टीम में आ सकता। आप, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली एक साथ इंडिया ए के लिए खेले,
में कम्पीट कर रहे थे, फिर वो एक छलांग मारी उन्होंने। क्या लगता है आपको, अगर वो इंडिया ए वाला फेज आपका अच्छा जाता तो वो आप भी छलांग मार सकते थे? और कभी कभी आपको लगता है कि ये आप बॉर्न इन द रॉन्ग एरा टाइप्स होते, बिकॉज उसके पहले थे संजय मांजरेकर, हजरुद्दीन सिद्धू, उसके बाद सौरभ, राहुल, VVS, ऐसा लग रहा था कि आप सारे दिग्गज एक साथ आ गए और आपका जगह रोक लिया था। आपके दो सवाल थे, मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। पहला तो था इंडिया ए टीम में मेरा जब चयन हुआ, अगर आप स्कोर कार्ड निकाल के देखे तो मैंने बहुत रन्स बनाए इंडिया ए के लिए, हालांकि हंड्रेड्स नहीं किए, पर इंग्लैंड ए सीरीज थी वहां पे राहुल द्रविड़ के 281 रन्स थे 3 टेस्ट मैचेस में और मेरे 280, तो 1 रन पीछे था मैं, एक ही रन के लिए वो छोड़े। उसके बाद एक टूर आई नैरोबी की कीनिया में, अगेंस्ट कीनिया, 5 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हम, उसमें 3 वनडेज में मेरी बल्लेबाजी आई, 3 में से 2 में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला और बेहतरीन टीम, अजय जडेजा कप्तान थे, विक्रम राठौड़, विनोद कांबली, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, आप कहते जाओ वो प्लेयर्स थे वो टूर। 3 में बल्लेबाजी आई थी और 2 में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला और 1 में नॉट आउट रहा था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ए के लिए मैंने रन नहीं बनाए, जस्ट एक ब्रेक था। वहां पे सौरव को मिला ब्रेक, वहां पे राहुल द्रविड़ को मिला ब्रेक, वहां पे VVS लक्ष्मण को 1 साल बाद मुझे, ये मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद 1 साल के बाद VVS को मिला, तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया। सेकेंड इज, मुझे ऐसे कभी भी नहीं लगता कि आई वॉज बॉर्न इन अ रॉन्ग एरा, मुझे कभी भी नहीं लगता। ये अगेन इट इज अ परसेप्शन, जो परसेप्शन है बाहर लोगों का, अरे अमोल अनफॉर्चुनेट था, अनलकी था और मैं एक रॉन्ग एरा में बॉर्न हूँ, जी नहीं, मैं क्लियर करना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट एरा में बॉर्न हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं वो एरा में बॉर्न नहीं होता तो मुझे सचिन तेंदुलकर देखने नहीं मिलता, तो मुझे राहुल द्रविड़ देखने नहीं मिलता, मुझे अजहरुद्दीन देखने नहीं मिलता, मुझे सौरव गांगुली देखने नहीं मिलता और इनके साथ कंपीट करना और खेलने का मौका नहीं मिलता। और मेरे जो एथिक्स है, क्रिकेट एथिक्स, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिकेट एथिक्स, वर्क एथिक्स एंड क्रिकेट एथिक्स, वो इतने मजबूत नहीं होते जितने वो एरा में थे। मुझे नहीं लगता किसी एरा में वो हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि मेरे क्रिकेट एथिक्स और वर्क एथिक्स उस एरा में, अगर मैं जन्म लिया, इसीलिए वो वर्क एथिक्स और क्रिकेट एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने बुलंद है। तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा यार। Please remember to like, share, and subscribe the channel. And you can also donate and support the channel via the links mentioned below this video.